अस्सलाम वालेकुम। हो गया लेक्चर 9 स्टार्ट करते हैं FAR 1 का, जो कि कैफ 1 है अब। और से पहले आते हैं लेक्चर 8 की तरफ। जी कैसा रहा ये? कोई नई चीज़ तो नहीं थी? जो क्लास में करवाया था बिल्कुल वैसा सवाल था। ठीक है, तो इसलिए मुझे देखें होमवर्क का सलूशन तो तब दिया जाए जब पहली बार नई चीज़ थी ना, और जा रहे थे घर में सलूशन रख दिया था इसके अंदर ही। अब एक सवाल है उसमें सिर्फ फिगर्स बदली हैं, तो उसका सलूशन मेरे ख्याल में ज़रूरत नहीं होता, वही जनरल एंटीज हैं, उसी की प्रैक्टिस थी दोबारा। तो रिवैल्यूएशन सही जा रही है? अच्छा बस फिर रिवैल्यूएशन तो ख़त्म हो गई है। रिवैल्यूएशन पता है क्या है? रिवैल्यूएशन ये है, वर्किंग में एक लाइन छोड़ के रिवैल्यूड अमाउंट लिखना, वहाँ से गेन लॉस निकालना। रिवैल्यूएशन क्या है? जनरल एंट्रीज के अंदर दो एंट्रीज करना, पहली ट्रांसफर की, दूसरी लॉस या सरप्लस की रिकॉर्डिंग की। बस अब रिवैल्यूएशन वाले दिन ये दो काम ही करने हैं। वो रिवैल्यूएशन कभी साल के शुरू में होगी, कभी साल के दरमियान में हो जाएगी, कभी साल के एंड पे होगी, देखेंगे वो। ठीक है ना, तो रिवैल्यूएशन ख़त्म है, बस थोड़ी बहुत बातें हैं। आप जैसे आज का सवाल अगर आप देखें, ऐसे ज़रा आपको नज़र डलवा रहा हूँ, आज रिवैल्यूएशन 3 हो गई। ठीक है ना, तो सिचुएशंस बदलते जाएंगे। लॉस पे लॉस पड़ा है, पहले प्रॉफिट आ गया यानी सरप्लस आ गया, सरप्लस पड़ा है लॉस आ गया, लॉस पे लॉस आ गया, सरप्लस पे सरप्लस आ गया, तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ कोई मसला नहीं है। इनमें से दो भी करवा दें तो दो तरह की तो आपको समझ बाकी सारी आ जाती है। ठीक है, बहरहाल इस होमवर्क के क्वेश्चन में, क्वेश्चन 2 क्लास वर्क वाला भी होमवर्क में चला गया था, जो कल की गुड न्यूज़ थी। ठीक है, उसके बाद होमवर्क वाला क्वेश्चन तो था ही होमवर्क में। ये तीनों सवाल किए, हाथ खड़ा करें, ये हाथ खड़ा रखें, दो सवाल किए, नहीं ये हाथ खड़ा रखें, तीन वाले मैंने कहा नीचे करें हाथ, दो सवाल किए, ये हाथ सब खड़ा रखें, एक सवाल तो किया, एक वाले भी कुछ थे, चले अब ये नीचे कर लें, एक भी सवाल नहीं किया, वो कौन खुश नसीब है? और जी और कौन है? एक भी सवाल नहीं किया, क्यों बेटा क्यों नहीं किया? एक यस न्यू एडमिशन और कोई और जिसने एक भी सवाल नहीं किया, एक भी सवाल नहीं किया, कोई नहीं ऐसा? मुझे लग रहा है तुमने एक भी सवाल नहीं किया। हाँ जो पीछे मुड़ के देख रहे ब्लैक शर्ट, क्या हुआ, किसने पांव रखा जी? अच्छा ठीक है, बैठ जा यार, कैमरे के सामने आ गया तू, बैठ जा, हाथ हिला दे फिर। अच्छा जी चलें फिर आगे बढ़ते हैं जी। मैंने पूछा सवाल है कोई, तुमने पूछा नहीं। हाँ कॉस्ट ऑफ एन एसेट इज ऑन यकम 15,600, लाइफ इज 6 ईयर्स, ऑन यकम जनवरी 16 एसेट इज रीवैल्यू टू 4। क्वेश्चन पहले बच्चे का ले लूँ एक, उसके बाद दूसरे का। क्या साथ वाले की शिकायत, सर तंग कर रहा है, ये तो नहीं कहना। अच्छा जी देखें सवाल ऐसे किए कि पहले सरप्लस आता था फिर लॉस आता था, तो जब लॉस आता था वो पहले देखता था कोई सरप्लस तो नहीं पड़ा। ठीक है, तो पहले उस सरप्लस को खत्म करता था और बचता था तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाते थे हम उसको। लेकिन अगर ऐसा हो कि रिवैल्यूएशन पहली और पहली दफा ही लॉस आ जाए तो क्या ये जायज़ नहीं है? क्या ये मुमकिन नहीं है? तो लॉस आएगा, वो लॉस आर उठा के देखेगा कोई सरप्लस नज़र, तो सारे का सारा ही प्रॉफिट एंड लॉस में, कोई मसला नहीं जी। मैं एंट्री जबानी बोलता हूँ, आप लोग देखिएगा, यकम जनवरी 15 एसेट डेबिट कैश क्रेडिट 600, डेप्रिसिएशन तो बता दो कितनी, 100 रुपये। अच्छा जी, ईयर एंड 31 दिसंबर 15 पे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, और हमारे पास जो बुक वैल्यू आई 31 दिसंबर 15 पर वो 500 आ गई। ठीक है, अब हमने एक लाइन खाली छोड़ी और रीवैल्यूड अमाउंट लिख ली 400, तो 100 रुपये का क्या आ गया हमें लॉस आ गया जी। ठीक है, अब इधर देखो ये क्या था, यहाँ पे क्या आता था, यहाँ पे क्या आता था, यहाँ पे तो कुछ पड़ा ही नहीं था, सारे का सारा लॉस कहाँ चला गया? ठीक हो गया जी। अब ये यकम जनवरी 16 की एंट्रीज रिवैल्यूएशन की क्या होनी है, पहली एंट्री हुई ट्रांसफर की, एक्यूमुलेटेड डेबिट, टिक करते जाओ ना अपनी एंट्रीज किया होगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट एसेट क्रेडिट 100 रुपये से यकम जनवरी 16 की पहली एंट्री, और दूसरी एंट्री एसेट क्या हो रहा है क्रेडिट, और प्रॉफिट एंड लॉस में क्या जा रहा है लॉस, तो एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट एसेट क्रेडिट। ठीक हो गया, फिर आप आए होंगे 31 दिसंबर 16 पर, आपने डेप्रिसिएशन निकाली होगी 400 की, लाइफ कितनी थी इसकी, पहले कितनी थी 6 थी। अच्छा बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। ठीक है, देखो जो बंदा आपके एसेट की वैल्यू लगा रहा है, एसेट को देख के कह रहा है कि ये अब मार्केट में इतने का हो गया है, और साथ ही वो ये कह रहा है जो तुमने सोचा था 6 साल है
टोटल लाइफ, अब उसकी टोटल या रिमेनिंग लाइफ इतनी है, तो क्या उसकी फेयर वैल्यू वाली बात मान लेंगे और उसकी लाइफ वाली बात नहीं मानेंगे? क्या हम जिद करेंगे कि नहीं, 6 - 1 करके हमने रिमेनिंग लाइफ 5 ही लेनी है, तुम कौन होते हो इसको 10 कहने वाले? ऐसी बात नहीं है, ठीक है? तो ये बात याद रखना, इसको यूं करेंगे आप अंडरलाइन, इसको लगाएंगे ऐसे स्टार, और स्टार लगा के आप अपने पास ये उसूल लिख लेंगे कि अगर रिवैल्यूएशन के दिन रिमेनिंग लाइफ हमें दे दी जाए, अगर रिवैल्यूएशन के दिन, यानी रिवैल्यूअर ही हमें रिमेनिंग लाइफ बता दे, ठीक है, यानी अगर रिवैल्यूएशन के दिन रिमेनिंग लाइफ सवाल में गिवन हो, तो फिर उसी रिमेनिंग लाइफ को यूज करना है, तो फिर उसी रिमेनिंग लाइफ को यूज करेंगे, खुद से निकालने नहीं बैठ जाना। यार वैसे थोड़ा सा ऊपर रख लेता हूं मैं और सारी अर्किंग हो जाएगी, एक मिनट की बात है, फिर एंट्री बोल देता हूँ ना, चाहे रिवीजन जरा हो जाएगी, होमवर्क की डिस्कशन 600 बातें मत करो आपस में जी। अच्छा, लाइफ कितनी थी ओरिजिनली? 6 साल। 1 साल गुजरने के बाद ये एसेट हुआ रीवैल्यू, तो यकम यानी 16 पे अगर हम रिमेनिंग लाइफ निकालें तो रिमेनिंग लाइफ कितनी बनती है? 5 साल। लेकिन सवाल ने क्या कहा? ऑन यकम यानी 16 एसेट इज रीवैल्यूड एट 400 विद रिमेनिंग लाइफ ऑफ 10 साल। मतलब जिसने आपके एसेट की वैल्यू लगाई उसने साथ ही उसकी रिमेनिंग लाइफ भी बता दी, तो बिल्कुल चेंज इन एस्टीमेट की तरह सही है ये, और काम कर ही ऐसा रहे होते हैं कि चेंज इन एस्टीमेट वाली अकाउंटिंग हो रही है, तो रिवैल्यूएशन के साथ ही ये वाली रिमेनिंग लाइफ ले लेंगे हम, जब वो कह रहा है 10 साल इस एसेट में चलना है, तो हमने इस 400 को फिर 5 पे डेप्रिशिएट नहीं करना बल्कि 10 पे डेप्रिशिएट करना है, लाइफ चेंज हो जाती है, ठीक है, कोई मसला नहीं, बात समझ गए हो? तो अगर कभी सवाल के अंदर रिमेनिंग लाइफ खुद कैलकुलेट कर दे तो फिर जिद मार के ना बैठ जाना, रिमेनिंग लाइफ तो ये बनती है। लॉजिक क्या है इसके पीछे? जिसने आपका एसेट रिवैल्यू किया है उसने उसकी हालत देख के उसकी लाइफ भी रिवाइज कर दी, वो कम भी कर सकता था रिमेनिंग 5 से भी कम, वो कहता 3 साल रह गई है तो 3 लेते, वो कहता कह रहा है 10 साल हो गई है तो 10 ले लेंगे, और अगर वो खामोश होता तो हम खुद निकालते तो फिर वो 5 ही होती, याद रहेगी ये बात। तो 40 आ गया, और अगला काम आपको पता ही है, प्लस 10, ये बच गया 360, और ये बच गया -90, सवारी लब्बे ना लब्बे, स्पीड 190, पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज लिखा हुआ है सिर्फ, तो आप इसको ऐड कर लें थोड़ा सा रिक्वायरमेंट मेरी तरफ से फॉर द ईयर्स एंडेड 31 December 2015 and 2016, ठीक है, इन 2 साल की एंट्रीज हैं, लिख लो ना मेरी तरफ से रिक्वायरमेंट में। अब मैं एंट्रीज बोल रहा हूँ, जिन अच्छे मेरे पास होने वाले बच्चों ने ये होमवर्क किया हुआ है घर बैठे उन्होंने भी, अब वो इसको टिक कर लें, क्योंकि ये सवाल तो बिल्कुल ऐसा सवाल था, ये भी बिल्कुल ऐसा सवाल था, इसलिए कोई चेंज नहीं थी, तो वो तो आप सारे डिस्कस नहीं कर रहा, इसकी एंट्रीज बोल रहा हूँ, वैसे तो एंट्रीज इसकी भी सेम ही है, बात तो सिर्फ ये वाली थी समझने की, ये 10, ठीक है। बहरहाल अब चूंकि सवाल लिख दिया, वर्किंग सामने आ गया, तो मैं एंट्रीज बोलता हूँ। यकम जनवरी 15 एसेट डेबिट कैश क्रेडिट 600, ठीक होता जाएगा ना, एंट्री ठीक करते जाएंगे। दूसरी एंट्री 31 December 2015 डेप्रिसिएशन डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 100 से, फिर 15 खत्म हुआ, बुक वैल्यू ये आई हुई है। अब 16 का साल शुरू हुआ, यकम जनवरी 16 पे रिवैल्यूएशन हो रही है, इधर देखो सारे accumulated depreciation debit asset credit, ये कौन सी एंट्री है? यहां पे नजर नहीं आती, लेकिन एंट्री लाजमी है, भूलना नहीं है, ठीक है। accumulated depreciation debit asset credit 100 से, फिर revaluation पे loss आ गया है, तो profit and loss account debit asset credit 100 रुपए। फिर आया 31 December 2016 पे किस 40 की एंट्री बनी, depreciation expense debit accumulated depreciation credit 40 से, और इसकी एंट्री बनी नहीं बनी, इसकी एंट्री नहीं करनी, आज प्रूव कर लेते हैं, ठीक है, सही है, ओके। लेकिन ये प्लस 10 भी करना जरूरी है, ये भी आज वाले सवाल में मुझे याद कराना कि ये प्लस 10 क्यों किया, जरा प्रूव कर दें, तो मैं आज कर दूंगा, ठीक है, सही है। और कोई सवाल में मसला? ये 10 वाला मसला ही था, ये कोई मसला था? आज वाला लेक्चर शुरू करते हैं फिर, क्लास वर्क में आपके सवाल है, क्लास वर्क में किसी ने नोट तो नहीं करना था। एसेट परचेज हुआ यकम जनवरी 12 पे, कॉस्ट है एसेट की 500, यूजफुल लाइफ है 20 साल, रिवैल्यूएशन हुई यकम जनवरी 14 पे। ये भी एक नई चीज है, क्या गौर करो, क्या नई चीज है, आज तक ये ऐसा सवाल मैं कह रहा हूं आज तक ऐसा सवाल किए नहीं, दोबारा सरप्लस, वो तो ठीक है, अच्छा आज तक ऐसा सवाल दोबारा किया ही नहीं,
और छोड़ो, आज तक ऐसा भी सवाल दोबारा नहीं किया हो, पहले नहीं किया हो, दोबारा कह रहा हूं पहले नहीं किया होगा, नहीं किया हो, हाँ इतनी सी चेंज है, अभी तक जितने सवाल किए तो क्या हुआ उसी की डिस्कशन है। मैं अपनी बात क्लास वर्क की बात कर रहा हूँ बेटा। ये पिछले सफे पे होमवर्क था, मैंने होमवर्क की बात तो नहीं की, हमने, आपने नहीं, हमने ऐसा सवाल पहले नहीं किया, लेकिन मैंने आपको जबानी ये बताया था, तैयारी कर ली थी हमने इसकी, कि अगर एसेट 2 साल बाद डेप्रिशिएट हो तो 2 साल की डेफिशिएंट ट्रांसफर कर देना, अगर 10 साल बाद डेफिशिएट कह रहा हूँ रीवैल्यू हो, अगर 5 साल बाद रीवैल्यू हो तो 5 साल की डेफिशिएंट ट्रांसफर कर देना, 10 जितनी एक्यूमुलेशन अकाउंट के अंदर जो है वो इकट्ठी हुई पड़ी है एक्यूमुलेट डेफिशिएंट टिल डेट ऑफ रीवैल्यूएशन वो सारी ट्रांसफर हो जाती है, तो चाहे एसेट 2 साल बाद रीवैल्यू हो, 3 साल बाद हो, 4 साल बाद हो, जितने अरसे बाद हो सारे का सारा एक्यूमुलेशन का बैलेंस कहाँ ट्रांसफर कर देना है, एसेट अकाउंट में। ठीक है, आज मैं शायद लेजर ना बनाऊँ, ठीक है, ज़्यादा है मुझे जनरल एंट्रीज और वर्किंग कर दूँ को मसला तो नहीं है, तो इस लेक्चर के साथ आप सबसे पहले होमवर्क लिखें, प्रिपेयर लेजर्स ऑफ क्लास वर्क क्वेश्चन 1, ये आपने घर पे करना है, एडवांस बता दूँ, एडवांस ईद मुबारक। वर्किंग करेंगे, ज़रा वर्किंग थोड़ी सी आज चुनी चुनी करके करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको नज़र आ रहा है ऐसे 2 साल चलना है, फिर रीवैल्यू होना है, रीवैल्यू होने के बाद 2 साल चलना है, फिर रीवैल्यू होना है, फिर 2 साल चलना है, फिर रीवैल्यू होना है, फिर 2 साल चलना है, तो बहुत लेंथी क्वेश्चन है, तो वर्किंग थोड़ा सा माइक्रोस्कोपिक हो जाएगी, इसलिए जरा ज़हनी तौर पे तैयार रहें, ठीक है, मजबूरी है, क्या कर सकते हैं। सो वर्किंग कभी डब्ल्यू हो गया, वर्किंग करेंगे सबसे पहले, वर्किंग वन हमारी, ठीक है, क्या होता है जी फॉर्मेट इसका, डेट, ये कमाल मारकर तुमने यार ढूंढा है, फिर डेस्क्रिप्टियन, उसके बाद एसिड, आज तो एसिड ही है, चलो उन्होंने एसिड का नाम 2 दिन सवालों में लिखा, सवाल लिखने वालों ने, सर ने कहा इन्होंने नहीं एसिड बिल्डिंग कहना था, एसिड ही लिख देना है ना, एसिड परचेज नाम जी, काफी एसिड रिवैल्यूएशन सरप्लस, वर्किंग है आरएस लिख सकता हूँ कोई मसला नहीं, और प्रॉफिट एंड, और यहाँ पे हमने बॉर्डर बना रहे, ठीक हो गया जी। तो मैं तो कहता हूँ कि मुझे तो यूँ लग रहा है कि आप पहली रिवैल्यूएशन तक तो खुद ही पहुँच जाएंगे, क्या ख्याल है, पहुँच जाएंगे, तो चलो फिर मिलकर ही करते हैं सवाल। अच्छा कोई बात नहीं, एक ही सवाल करेंगे, 1 जनवरी 12 को ये एसेट खरीदा है, 31 दिसंबर 12 इसकी ज़िंदगी में आएगा, 31 दिसंबर 13 आएगा, फिर 1 जनवरी 14 तीसरे साल में रिवैल्यू होगा, फिर 31 दिसंबर 14 आएगा, तो चूंकि लेजर तो आपने घर बनाने हैं, तो वर्किंग और जर्नल एंट्री में तो ऐसे कर लेनी है आपने, टाइम तो लगने ही कोई नहीं है, आप लोगों के पास 3 मिनट हैं, 31 दिसंबर 14 तक पहुंच के सवाल को रोक दें, स्टार्ट हो जाएं, आपका वक्त शुरू हो चुका है, शाबाश, ये सवाल भी रखें जी, जो काम आपको आता है वो तो पहले करें ना आप, फिर मुझे करवा दीजिएगा, तैयारी नकद नकद ही होनी चाहिए ना क्लास में। तुमने कर लिया सवाल, कैसे कर लिया, आ रहा हूँ देखने के बाद, रजिस्टर भेज दो अपना आगे, हैं हाँ उतना ही करना था, दिखाओ जनरल एंट्रीज कहाँ, जनरल एंट्रीज भी करनी है, पहला सफा वर्किंग के लिए छोड़, दूसरे से जनरल एंट्रीज शुरू कर दो, दो मिनट डेढ़ मिनट रहेगा, जल्दी करें, आप भी रखें जी, मैं जरा तैयारी कर लेता हूँ, किस दिन खरीदे, 1 जनवरी 12 पे खरीदा, Thank you.
अगर रिक्वायरमेंट में जर्नल एंट्रीज है तो शॉर्ट फॉर्म नहीं लिख सकते, लेकिन फिलहाल क्लास में करते हुए आप लिख लें। चले पर्चे में रिक्वायरमेंट जर्नल एंट्री हो तो डेप एक्स एक डेप ये लिखने की जरूरत नहीं है, पूरा लिखना पड़ेगा। अच्छा जी नेक्स्ट। मैं इस वक्त बड़ी मुश्किल वक्त से गुजर रहा हूँ, मुझे ये बोर्ड के ऊपर मेरी चाहत आपको पता है नहीं होती कुछ मिटाना इस वक्त, तो साथ साथ में वो आप लोग करें ना, मैं वेला खड़ा हूँ, मैं तो कर लूँगा। मुझे पूरा होगा सवाल एक सफे पे, मतलब मेरे एक सफे पे। कोई ऐसा बच्चा है जिसने कर लिया यहाँ तक क्वेश्चन? जनरल कितने बच्चे हैं, बाकी क्या कर रहे हैं? पूरा सवाल ही कर लिया। तो जी मेरा भी मुश्किल हल होती नजर आ रही है किसी हद तक, सवाल पूरा होता नजर आ रहा है मुझे। ओके जी आई एम रेडी किसी हद तक। किसका फाइनल है आज हैं? किस किस का है? अच्छा जी शुरू करें सवाल। ये मैंने जरा मुश्किल काम कर लिया है, एक सफे पे मैंने इसको कोशिश करके मैनेज करना था, तकरीबन हो ही गया। ऐसे शुरू करते हैं सवाल, जनरल एंट्रीज तो फिर खुली जगह करते जाएंगे। कितने साल की जनरल एंट्रीज बनेंगे? मैं सोच रहा हूँ वर्किंग जब पूरी हो जाए, जगह खत्म हो, तो हम मिटा के आगे इस तरह से तरतीब से चलाएं। आज थोड़ा सा कंपैरिजन में चीज़ों को देख लें, ठीक है ना? तो मैं एक साल की एंट्रीज एक कॉलम में करूँगा, फिर अगले में, फिर अगले में, फिर अगले में, ठीक है ना? चले। अच्छा जी सबसे पहले यकम जनवरी 12 पे एसेट खरीदा, कितने का? 500 का, ठीक है जी। उसके बाद इसकी यूजफुल लाइफ कितनी थी? 20 साल, तो 500 को डिवाइड कर दिया 20 से, तो आंसर आ गया 25 रुपये, और बुक वैल्यू आ गई 475। भाई जान यहाँ से लगा दें फ्रेम, बस यहाँ तक लग जाएगा फिलहाल, उसको नहीं चढ़ना। जर्नल एंट्रीज फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर, पहली एंट्री यकम जनवरी 12 पर ऐसे डेबिट, ये जरा स्मार्ट करके कर लेता हूँ एंट्रीज, कितने से? 500 से। दूसरी एंट्री 31 दिसंबर 12 पर डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट 25 से। भाई सबको नजर आ रही है ये एंट्रीज, मसला तो नहीं हो रहा देखने में? अच्छा मैसेज किया था आपने, नहीं देखा? अच्छा ले जी, पहले साल की एंट्रीज खत्म हो गई, लेजर तो आपने घर पे बनाना।
ठीक हो गया। दूसरा साल आया फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2013। परचेज की एंट्री करेंगे, परचेज की एंट्री तो ये एंट्री तो नहीं होगी, कंपैरिजन में आज लेके चल रहे हैं, ठीक है ना, दोनों साल। अगली एंट्री क्या होगी? 31 दिसंबर 2013 पर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अगेन। मतलब इधर देखो, मतलब अगले साल फॉर्मूला लिखने की भी जरूरत नहीं है, स्ट्रेट लाइन मेथड है, हर साल डेप्रिसिएशन ने बराबर होना है, तो फिर अगेन 25 लिख दो, कोई चेंज नहीं आया। तो ये कितने पे आगी बुक वैल्यू? 450। ठीक है, तो ये सूरत हाल है जी हमारी दो साल गुजरने पर। ठीक है जी, उसके बाद रिवैल्यूएशन की कहानी जो शुरू हो रही है ऑनवर्ड, इसलिए मैं ना इनको ज़रा अलग रख लेता हूँ। ठीक है, ये दो साल की एंट्रीज पर यहाँ पे मैं तीसरे चौथे पांचवें की यहाँ से कर रहा, जगह भी बच जाएगी। ठीक है, अब हमारी कहानी शुरू होगी फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2014। तैयार है जी? ओके, अच्छा जी, अभी तक तो सवाल इंट्रो वाला चल रहा था, अब एफ आई आर 1 स्टार्ट हुई जो दो दिन पहले हुई थी स्टार्ट। ठीक है, यकम जनवरी 14 वाले साल में, यकम जनवरी 14 पे क्या हो रहा है? एसेट रीवैल्यू होकर 800 पे चला गया। ठीक है, तो वर्किंग में क्या किया करते हैं? एक लाइन खाली छोड़कर रीवैल्यूड अमाउंट लिखते हैं, कितनी है भाई? 800। ठीक है, 450 से एसेट को बढ़ाकर 800 करना है, तो कितना बढ़ाना है? 350 से एसेट बढ़ गया तो क्या आ गया हमें? रीवैल्यूएशन गेन या सरप्लस आ गया, और ये एज इट इज इस कॉलम में आ जाएगा, ऊपर कुछ भी नहीं पड़ा, तो यही हमारा टोटल सरप्लस आ गया। तो रिवैल्यूएशन के दिन क्या किया हमने भाई? वर्किंग में एक लाइन छोड़ के रिवैल्यूड अमाउंट लिखी, गेन लॉस निकाल लिया। एंट्रीज में क्या करते हैं रिवैल्यूएशन के दिन? दो एंट्रीज करते हैं, रिवैल्यूएशन की दो ही एंट्रीज हैं, पहली ट्रांसफर की, दूसरी सरप्लस या लॉस की रिकॉर्डिंग की। ठीक है, तो यकम जनवरी 14 पहली एंट्री ट्रांसफर की, बोले एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और एसेट क्रेडिट 25 से, अकाउंट्स आज बनाए ही नहीं। ठीक है, तो अपनी एंट्रीज को देखना शुरू करते हैं। तो एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन 25 से क्रेडिट हुआ और फिर 25 से क्रेडिट हुआ, लेकिन अभी तक डेबिट नहीं हुआ। ठीक है, तो फिर कितने से डेबिट करें? कितनी एक्युमुलेट हो चुकी है डेप्रिसिएशन इस अकाउंट में? 50 की, तो ट्रांसफर कर देंगे हम 50 रुपये से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट एसेट क्रेडिट। ट्रांसफर की एंट्री होगी भाई? थोड़ा सा और बना भाई, वो अलग कर लिए, दो साल उसमें कुछ था नहीं, सिंपल ठीक है ना, वो अलग कर दिया, यहाँ पे कंपैरिजन में हम लेकर चल सकेंगे। ठीक है जी, अच्छा ओके। दूसरी एंट्री सरप्लस लॉस की रिकॉर्डिंग करनी है, क्या आया होगा हमें सवाल में? सरप्लस आ गया है, तो फिर यकम जनवरी 14 पर एसेट डेबिट और रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट 350। ठीक हो गया जी, तो रिवैल्यूएशन की दो ही एंट्रीज हैं, लेकिन चूंकि कभी लॉस भी आ जाना है और मैंने कंपैरिजन में लेके चलना है, जगह जरा थोड़ी सी छोड़ दी। ओके, थोड़ी सी और से, अच्छा कोई मसला यहाँ तक आगे बढ़े। अब एसेट हो गया है रीवैल्यू, ठीक है, तो रीवैल्यूड एसेट को हमने रिमेनिंग लाइफ पे डेप्रिशिएट करना, और रिमेनिंग लाइफ किस दिन निकालनी है? रीवैल्यूएशन के दिन खड़े होकर, यानी यकम जनवरी 14 पे। अब एसेट किस दिन खरीदा था? यकम जनवरी 12 पे। यकम जनवरी 14 तक कितने साल चल गया? दो, तो फिर दो चल गया, टोटल 20 था, तो रिमेनिंग 18 रह गया। अब रीवैल्यूड अमाउंट 800 को हम डिवाइड करेंगे 18 से, क्या आंसर आया? 44। ठीक है जी, और अगला काम, हाँ उधर से अब वो नहीं सोचना कि इतनी डिडक्शन होती इतनी होती, लाइफ ही चेंज हो जाए ना तो मुसीबत पड़ जाती है। भारत आपको तो शॉर्टकट बता दिया, 350 डिवाइडेड बाय 18 कर देंगे, 19 राउंड कर दिया, अच्छा किया, राउंडिंग गलत होता है ना, है ना, 18.8 लिखा हो तो आप 19 कर देंगे तो आपके नंबर काट लेगा, है ना, ऐसी सोच तो नहीं है ना किसी की, इंट्रो में होती है बच्चों की जी। 756 और 330, तो एंट्रीज 44 की भी और 19 की भी एंट्रीज करनी है। 44 की एंट्री बोले 31 दिसंबर 14 पर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितने से? 44 से।
और दूसरी एंट्री बोलो 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 जल्दी से रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट और रिटेन्ड अर्निंग 19 और हमारा ये साल क्लोज हो गया। कंपैरिजन में लेकर चलेंगे अब हर साल की एंट्रीज देखते रहेंगे क्या फर्क आता है, ठीक है ना। बहुत जरूरी था इस पर चलना, तो सवाल भी इवन मुझे बंद करना पड़ा तो मैं बंद कर दूंगा, ठीक है ना। ऐसे ही चलेंगे यहाँ पे 15, 16, 17, 18 जहाँ तक चला, ठीक है। यहाँ तक सब ठीक थे, बिल्कुल यही था, चले आगे। अच्छा जी, अब 15 में कुछ नहीं हुआ, ठीक है। तो फिर 15 के अंदर चूंकि मेथड तो स्ट्रेट लाइन ही है ना, तो दोबारा फॉर्मूला लिखेंगे, लिखना चाहें तो लिख लें, सेम फॉर्मूला लिखना चाहें तो 800/18, 350 कि मैंने आपकी सली के लिए लिखा, कोई लिखे तो बिल्कुल सेम फॉर्मूला लिखे, क्योंकि कोई एस्टीमेट में चेंज अगर आगे कुछ भी ना होता तो 18 साल तक यही फॉर्मूला हर साल लगता चला जाता, ठीक है जी। तो मैं तो कह रहा हूँ वक्त बचाने की आदत डालें, दोबारा डेप्रिसिएशन वही करनी है, दोबारा फॉर्मूला लिखने नहीं बैठ जाना, एज इट इज फिगर्स उठाकर इधर रख देंगे, ठीक है जी। बताएं 712 और 312, ये 712 नजर आ रहा था बच्चों को, आप तो आ रहा हो जी। तो फिर 2015 वाला साल जो है उसमें सिर्फ दो एंट्रीज आएंगी, 31 दिसंबर 15, इसको थोड़ी जगह पे भी कर सकते हैं मैनेज जी। पहली एंट्री होगी नहीं, दूसरी एंट्री होगी नहीं, क्यों क्यों क्यों, ये एंट्रीज क्यों नहीं हुई, क्योंकि रिवैल्यूएशन ही नहीं हुई, जब रिवैल्यूएशन नहीं हुई तो फिर ना ही ट्रांसफर की एंट्री करेंगे ना सरप्लस या लॉस की रिकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। तीसरी एंट्री भी नहीं होगी जी, डेप्रिसिएशन तो हर साल होनी है, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 44 से, और दूसरी एंट्री रिवैल्यूएशन लग रहे इनमें से कुछ चल जाए, रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट और रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट कितने से 9, क्लोज हो गया ये साल में। ठीक हो गया, कोई मसला यहां तक। अब 16 का साल आया तो क्या हुआ, फिर रिवैल्यूएशन हो रही है, अगली रिवैल्यूएशन हो गई, यकम जनवरी 2016 पर एसेट हमारा आ गया है 204, ठीक है। तो यकम जनवरी 16 वर्किंग में क्या करोगे, रिपीटिशन है ना, रिपीटिशन है, अब रिवैल्यूएशन कहा था आपको आ गई है, ठीक है जी। एक लाइन खाली छोड़ दी और रिवैल्यूड अमाउंट लिखी, कितनी 250, तो 712 वाला एसेट गिर के कितने पे आ गया 200, तो कितना कम हुआ 462 का क्या आ गया हमें रिवैल्यूएशन लॉस। कोई नहीं जी, खुशियां आई थी तो गम भी आने ही थे। अब इन गमों ने पहले देखा कि इस एसेट की जिंदगी में कोई खुशियां तो नहीं है, पहले वो सारी खुशियों को खा गए, ठीक है। 312 की खुशियां नील हो गई, गम फिर भी बच गए, वो कितने हैं 150, ये 150 का गम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक हो गया जी। तो फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 16 जी रिवैल्यूएशन हो रही है, बोलो। तो फिर क्या करेंगे एंट्रीज में, ट्रांसफर भी करेंगे और सरप्लस लॉस की अकॉर्डिंग भी करेंगे, ठीक है। पिछले साल क्यों नहीं हुई ये दोनों एंट्रीज, तो रिवैल्यूएशन होगी तो ये एंट्रीज होंगी ना, इसलिए कंपैरिजन में लेके चल रहा हूँ, ठीक है जी। बोलो 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 एंट्री उधर से देख के नहीं, दिमाग से सोच के, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट एसेट क्रेडिट कितने से 25 से 50 से 100 से 88 से। अच्छा चलो चेक कर लेते हैं ना, ये तो तरीका सीखना, चेक कर लेते हैं शुरू से देखा, एक्यूमुलेशन 25 से क्रेडिट हुआ, फिर 25 से क्रेडिट हुआ और 50 से, लो जी कहानी खत्म, जीरो हो गया। आगे बढ़े, फिर 44 से क्रेडिट हुआ, फिर 44 से क्रेडिट हुआ लेकिन अभी डेबिट, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर कितनी डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट हुई पड़ी है 88 की, तो फिर 88 से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट कर दिया आपने और एसेट अकाउंट क्रेडिट कर दिया, ट्रांसफर की एंट्री आ गई, पिछले साल नहीं थी, रिवैल्यूएशन नहीं, ठीक है। नेक्स्ट सरप्लस आया या लॉस आया, लॉस में एसेट क्रेडिट हो रहा है, सरप्लस कम
इनकम डेबिट हो रहा है और प्रॉफिट लॉस भी डेबिट हो रहा है, ठीक है। तो इसी की तरतीब से लिख लिया करें यार, अगर एंट्री याद नहीं हो रही आपको, इस तरह याद नहीं हो रही सरप्लस डेबिट प्रॉफिट लॉस डेबिट एसेट क्रेडिट नहीं याद हो रहा, कोई बात नहीं, वर्किंग को देखो, एसेट क्या हो रहा है, कम यानी क्रेडिट, पहले इसको लिख लो, एसेट क्रेडिट कितने से 462, आगे बढ़ो, सरप्लस क्या हो गया 312 से डेबिट, तो रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट 312 से, और बकाया जो बैलेंस बचा था वो कहां फेंका था, तो यार ऐसे लिख लो अगर मसला हो रहा है, ठीक है। ये क्या हुआ जी, ये हमने रिवैल्यूएशन पर आने वाले लॉस को रिकॉर्ड किया यकम जनवरी 16, सही है ना, कंपैरिजन सही, ठीक है ना। रिवैल्यूएशन थी तो दो एंट्रीज हुई, अगले साल रिवैल्यूएशन नहीं थी तो ये दोनों एंट्रीज नहीं हुई, फिर इसलिए दो साल वाला सवाल बनाया, और मुझे शौक है इतना लंबा सवाल करने, ठीक है। फिर जब रिवैल्यूएशन आई तो ये दोनों एंट्रीज आ गई, ठीक हो गया, सही है। तो इससे इससे साबित हुआ कि रिवैल्यूएशन की कितनी एंट्रीज हैं, दो। और रिवैल्यूएशन किसी भी दिन कर लो, ये दो एंट्रीज ही होंगी, ठीक है ना, मिड ऑफ द ईयर हो, ईयर एंड हो, देखेंगे सवालों में। अच्छा, अब आया 31 दिसंबर 16, हमने इस 250 को डेप्रिशिएट करना है, लेकिन करना किस पे है, रिमेनिंग लाइफ पे, और रिमेनिंग लाइफ निकालेंगे यकम जनवरी 14 पे, लेटेस्ट रिवैल्यूड अमाउंट पे, लेटेस्ट रिवैल्यूएशन की डेट पे। अब यकम जनवरी 16 पे खड़े होकर रिमेनिंग लाइफ निकालनी है, हमने एसेट खरीदा किस दिन था, यकम जनवरी 12 पे, तो यकम जनवरी 16 तक कितने साल गुजर गए, 4, 12, 13, 14, 15 गुजर गए ना, और यकम जनवरी 16 आया खड़ा है, तो 4 साल गुजर गए, लाइफ थी 20 साल, 4 साल गुजरने के बाद कितने रह गई, 16, तो डिवाइडेड बाय 16, और एज इट इज यही हशर 150 के साथ कर दो, कितना आ गया 16, और ये 9 प्लस 9, ठीक है जी। तो बुक वैल्यू 234 और ये 141 नेगेटिव। चलें तो 16 की एंट्री पास करवा दें जी मुझे, 31 दिसंबर 16 पर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 16 से, दूसरी एंट्री करवा दो ऑफ 9, ठीक है ना, इसको प्रूफ करेंगे आज इंशाल्लाह, ठीक है। तो और कोई एंट्री हमने इस 9 की कोई एंट्री हमने, इसको प्रूफ करेंगे आज इंशाल्लाह, क्या क्या पॉजिटिव क्यों लिखा है, क्योंकि ये नेगेटिव है ना, इसको कम करने के लिए पॉजिटिव ही करना पड़ेगा ना, अगर नेगेटिव लिखोगे तो और बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो हमने जैसे सरप्लस को आहिस्ता आहिस्ता कम किया था, इस वर्किंग में उस लॉस को भी कम कर रहे हैं, ठीक है। क्यों करना जरूरी है जब एंट्री नहीं करनी, तो ये प्रूव करते हैं इसी वर्किंग में इंशाल्लाह करेंगे, ठीक है, इसी सवाल के अंदर कर लेंगे ये दोनों बातें, एंट्री क्यों नहीं होनी ये भी सीख लेंगे, और ये करना क्यों जरूरी है जब एंट्री नहीं करनी, ये भी इसी सवाल में इंशाल्लाह सीख के ही आगे जाएंगे, ओके, सही है, ओके। उसके बाद भाई 2017 आता है, गुजारा करेंगे ना यहाँ तक, तो ताकि फिर 18 की रिवैल्यूएशन की डिटेल देख के फिर सवाल बंद कर दूंगा मैं, ठीक है ना। तो फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 17 जी, तो पहली एंट्री करेंगे ना, क्यों 17 में कोई रिवैल्यूएशन नहीं हुई, 18 में जाके हो रही, तो पहली एंट्री नहीं हुई, दूसरी एंट्री भी नहीं हुई, तीसरी एंट्री, तो पहले डेप्रिसिएशन निकालोगे तो फिर ही एंट्री करोगे ना, तो इधर आप आए और आपने यहाँ पे कहा क्या जरूरत है दोबारा लिखने की, ये तो सबसे आसान 16 और जमा 9 जी 200 यार एंड वालों को पता ही नहीं लगता, ऑनलाइन वालों को 218 और 132 नेगेटिव, तो 16 की एंट्री करेंगे, बोलो बोलो बोलो, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट कितने से 16 से, और प्लस 9 की नो एंट्री, ठीक है, ये लिखना नहीं है पर्चे में, बस एंट्री नहीं करनी, बस एंट्री करेंगे नहीं, गलत खत्म, ठीक है जी। ये हमारा 17 भी क्लोज हो गया, कोई मसला है यहां तक, कोई मसला है, आगे बढ़ो। यकम जनवरी 18 पे ये एसेट उठकर फिर कहां पे चला गया, अब ये याद रख लेना, ठीक है, यकम जनवरी 18 पे एसेट कहां पे लेके जाना है, 600। हाँ ये 600 याद रहेगा, हाँ जी। अच्छा जी, अब आ गया जनाब 18 का साल, ये इस सवाल में सिर्फ ये था कि 2 साल बाद रिवैल्यूएशन हो रही थी, वरना ट्रीटमेंट तो ये वाला हमने
पहले देख लिया था। फिर पहली रिवर्जन पे सरप्लस आया, दूसरी पे लॉस आया। लॉस की एंट्री एक में लॉस के बाद डेफिशिएंट की एंट्री की, दूसरी एंट्री हमने नहीं की थी, सरप्लस जब पड़ा था तो डेफिशिएंट की एंट्री भी की और ट्रांसफर की। ये सारा कॉन्सेप्ट हमें पता था ना, बस उसको 2 साल पे कर दिया एक की बजाय। ठीक है, अब आज की नई बात यहाँ से शुरू होगी। ठीक है, 1 जनवरी 2018 पर एसेट दोबारा रीवैल्यू होकर कहाँ पे चला गया, 600। ठीक है, तो क्या करेंगे वर्किंग में, एक लाइन खाली जोड़ेंगे, रीवैल्यूड अमाउंट लिख देंगे कितनी है, 600। ठीक है जी, अब 218 से एसेट उठ के फिर कहाँ चला गया, बढ़ के 600 पे, कितना 382 का हमें क्या आ गया, रीवैल्यूएशन सरप्लस 382। थ्यू बोलते हैं ना, मुझे याद आ जाता था जी। अब भाई सरप्लस आ गए तो सरप्लस भी वही हरकत करेगा फिर। अब जब खुशियां आई हैं तो पहले वो देखेंगी इस एसेट की जिंदगी में कोई गम तो नहीं बचे पड़े, तो जो बचे खुचे गम होंगे पहले वो खुशियां उनको खा जाएंगी। यानी 282 में से 132 तो इधर यूज करके इसको कर देना है जीरो। ये हो गया गम जीरो, खुशियां फिर भी जिंदगी है ना, कभी खुशियां आती है कभी गम आते हैं। ठीक है, तो ये चलता रहता है निजाम, परेशान नहीं होना, गमों में सबर करना है, खुशियों में शुक्र करना है। ठीक है, हाँ जी, गम ज्यादा आते हैं यार, कोई बात नहीं जी। 250 का सरप्लस आने लग गया हमारे साथ। ठीक हो गया जी, तो रिवैल्यूएशन हुई है, कोई फर्क पड़ा है? अब ये उसूल कहीं भी लग सकता है ना, पहली बार लॉस आया था फिर सरप्लस आ गया, ये उसूल देख लिया हमने। सरप्लस पे सरप्लस आ जाए ऐड कर देंगे, लॉस पे लॉस आ जाए उसको ऐड कर देंगे। भाई सही है, लॉस आया पहले सरप्लस पड़ा है वो पहले सरप्लस को कहेगा, सरप्लस आया पहले लॉस पड़ा है वो पहले लॉस को कहेगा। समझ आ गई सारी बात? मुश्किल तो नहीं है, अकाउंटिंग है ही नहीं मुश्किल यार। ये प्लस 132 है प्लस। अच्छा जी, तो आ गए हम 31 दिसंबर। वाले साल फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018। पहली एंट्री नहीं होगी ना, अच्छा रिवैल्यूएशन के दिन पहली एंट्री वही है क्या, ट्रांसफर की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट एसेट क्रेडिट कितने से, नहीं हम तो शुरू से देखेंगे, 25-25 क्रेडिट हुआ था, जरा रिवीजन हो जाती है, 50 से डेबिट होके खत्म, 44 क्रेडिट हुआ था, 88 डेबिट होके खत्म, मिल हो गया। फिर 16 और 16 क्या हुआ, क्रेडिट हुआ, एक बन गया 32। ये गोल दायरे को ना गिनते रहना। ठीक है जी, तो ये 32 एक्यूमुलेटेशन में इस वक्त पड़ा हुआ है, इसको ट्रांसफर करके हमने एसेट अकाउंट में फेंक दिया ताकि एसेट आ जाए बुक वैल्यू पे और हम बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू को कंपेयर कर सकें। ठीक हो गया, उसके बाद सरप्लस आया है। अब ये एंट्री भी मुश्किल लगे तो कोई मसला नहीं, वर्किंग जिंदाबाद। ठीक है, एसेट की नेचर डेबिट है, सरप्लस की नेचर प्रॉफिट एंड लॉस में तो इंपैक्ट डेबिट या क्रेडिट दोनों का चला जाता है। ठीक है ना, अब एसेट 382 से बढ़ा है, प्लस आ रहा है ना, एसेट बढ़ने पर डेबिट करोगे तो 1 जनवरी 2018 एसेट डेबिट कितने से, 382 से। आगे बढ़े, 250 से रीवैल्यूएशन सरप्लस बढ़ रहा है, मतलब सरप्लस की नेचर क्रेडिट है ना, बढ़ने पे क्या कर देंगे क्रेडिट, तो रीवैल्यूएशन सरप्लस कर देंगे आप 250 से, लेकिन आज ये बैलेंसिंग है। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि जो सरप्लस आया उसने, देखो जो सरप्लस आया उसने पहले 132 का लॉस खाया और जो बचा वो गया रिवैल्यूएशन सरप्लस में, यानी बैलेंस। ठीक है ना, तो मैंने इसलिए इसके साथ बैलेंस नहीं लिखने को मसला, ओके। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 132 क्रेडिट होगी, क्लियर है ये बात। जी इसकी बात कर रहे हैं, ये क्वेश्चन ऑब्वियस है, होना चाहिए था, ये क्वेश्चन आपकी तरफ से आना चाहिए था, सबकी तरफ से। ठीक है, वो ये कि हम प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट कर रहे हैं, यानी हम एक अनरियलाइज्ड गेन को रिकॉर्ड कर रहे हैं। भैया नजर आ रहा है जी, हम ये यहाँ तक नजर आ रहे हैं, यहाँ तक रुक जो है जी। भाई देखो मसला समझ आया क्या मैं कह रहा हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट हो रहा है मतलब एक गेन रिकॉर्ड हो रहा है, मतलब कहने का ये है कि हम अनरियलाइज्ड गेन को प्रॉफिट एंड लॉस में लेकर जा रहे हैं। अनरियलाइज्ड गेन क्यों, रिवैल्यूएशन वाला गेन तो अनरियलाइज्ड ही होता है ना, तो हम अनरियलाइज्ड गेन को प्रॉफिट एंड लॉस में लेकर जा रहे हैं, ये तो प्रूडेंस की वायलेशन नहीं हो गई? वो है ना क्वेश्चन, क्या गेन रिवैल्यूएशन वाला गेन प्रॉफिट एंड लॉस में जा सकता है, और बोलो
अब रिवेल्यूशन गेन आया या नहीं आया इस दफा, तो हम गेन को प्रॉफिट एंड लॉस में ले गए, ये तो गड़बड़ नहीं है। हम गेन को लेकर नहीं गए, हम एक सुनो प्रीवियसली बुक्ड लॉस को रिवर्स कर रहे हैं, ठीक है ना। हमने क्या किया है, हमने प्रीवियसली एक लॉस जो बुक किया था सिर्फ उसको रिवर्स किया है, उसके रिवर्सल से आगे नहीं जाएंगे। हमने गेन रिकॉर्ड नहीं किया, पिछले साल में एक लॉस रिकॉर्ड किया था उसका रिवर्सल कर रहे हैं, फ्यूचर का गेन रिकॉर्ड नहीं कर रहे, ठीक है। तो इस प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट होने से परेशान नहीं होना, ये गेन प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं गया, ये पिछले साल में जो प्रॉफिट एंड लॉस में हमने लॉस चार्ज किया था उसमें से जो अभी तक खत्म नहीं हुआ था, खत्म जैसे वो प्लस प्लस करके, तो जितना बचा पड़ा था उस सारे को हमने रिवर्स किया है, ये प्रीवियसली बुक्ड लॉस का रिवर्सल है, ये गेन नहीं है, ठीक है। ये क्या है, रिवर्सल ऑफ प्रीवियसली बुक्ड लॉस। अच्छा, ऐसे बच्चों के बच्चे कहते हैं यार साढ़े से सवाल आना होता, कोई हमें मुसीबत साढ़े गले पार देते हैं ना, ये कहते हो गए ना आप लोग, कुछ बच्चों के देर में था ये सवाल, क्लियर है ये बात। अच्छा जी, वापस आते हैं अब डेप्रिसिएशन की तरफ। तो अब 600 को डेप्रिशिएट करना है भाई, ये यहाँ तक नजर आ जाएगा ना कैमरा, ठीक है, बाकी कुछ सारे नजर आए तो बताना, मैं नीचे कर दूँ जी। डेप्रिसिएशन 600 को डेप्रिशिएट करना है और रिमेनिंग लाइफ पे करना है, आज रिमेनिंग लाइफ यकम जनवरी 18 पे कैलकुलेट करेंगे। अब यकम जनवरी 12 से यकम जनवरी 18 तक कितने साल गुजर गए, 6, टोटल लाइफ थी 20, 6 गुजर गए, तो बाकी तो 600 डिवाइडेड बाय 14 और 250 डिवाइडेड बाय 14, ठीक है जी, 43 और 18 जी, 557 और 23, तो 43 की एंट्री बताएं, 31 नंबर 18 पर डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट 43 से, और दूसरी एंट्री होगी कि नो एंट्री, हाँ सरप्लस है ये, इसमें इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन वाला मसला होना है, अपवर्ड की वजह से इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन चार्ज हुई पड़ी है, ये डिस्कशन तो हुई है ना, ठीक है। तो हमने क्या करना है भाई, सरप्लस की ट्रांसफर की एंट्री बताओ, सरप्लस की ट्रांसफर की एंट्री जी, रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट अच्छा जी, बातें कुछ कुछ क्लियर हो रही हैं, यहाँ पे तो कुछ था ही ना इंट्रो, ठीक है, यहाँ से कहानी शुरू हुई एफ आई आर 1 की। ऐसे रीवैल्यू हुआ, रीवैल्यूएशन की दो एंट्रीज आई, ठीक है, जब रीवैल्यू नहीं हुआ तो ये एंट्रीज, लेकिन एसेट यूज़ हो रहा है तो डेप्रिशिएट तो होना था। अगले साल फिर रीवैल्यूएशन हुई तो ये दो एंट्रीज आई, अगले साल रीवैल्यू नहीं हुआ तो एंट्रीज, फिर रीवैल्यू हुआ तो, इसका मतलब ये है रीवैल्यूएशन की दो एंट्रीज, ठीक है। रीवैल्यूएशन की दो एंट्रीज कौन कौन सी हैं, पहली ट्रांसफर की, दूसरी सरप्लस लॉस की रिकॉर्डिंग की, ठीक हो गया। एक तो हमें ये नतीजा हमने यहाँ से अखज़ किया, दूसरी इम्पॉर्टेंट बात अगर आप गौर करें तो वो क्या है, 11, 12 और 13 तो इंट्रो था ना, ठीक है, 14 के साल में देखो 31 दिसंबर यकम जनवरी 14 से देख लिया करो, 14 के साल में देखो तो आपको रीवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस नज़र आ रहा है, 350 आ रहा है नज़र। जब रीवैल्यूएशन का बैलेंस नज़र आया 14 में, तो डेप्रिसिएशन की एक एंट्री नहीं हुई, दो एंट्रीज हुई, ठीक है, और सही है, एक डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की और दूसरी इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की ट्रांसफर की रिटेंडर नहीं हुई, जिसको हमने कहा था कि रिवर्सल ऑफ आर्टिफिशियल डिक्रीज इन प्रॉफिट, ठीक है ना। तो जिस साल में सरप्लस है नजर आ रहा है 350 का सरप्लस, उस साल में डेप्रिसिएशन की दो एंट्रीज, 15 में आए सरप्लस नजर आ रहे हैं, अभी भी नजर आ रहे हैं, तो 15 में देखो डेप्रिसिएशन की दो एंट्रीज, ठीक है। अब आए हम 16 में, तो 16 में सरप्लस जीरो हो गया और लॉस नजर आने लग गया। अब जब 16 के साल की एंट्रीज देखते हैं तो डेप्रिसिएशन की एक ही एंट्री नजर आती है, दूसरी एंट्री नजर, अगले साल आते हैं तो अगले साल में भी अभी लॉस ही पड़ा है, तो अगले साल भी डेप्रिसिएशन की एक ही एंट्री आती है, दूसरी एंट्री नहीं आती। फिर हम आते हैं 18 में, और 18 में फिर से सरप्लस आ जाता है, और जैसे ही सरप्लस आता है डेप्रिसिएशन की एंट्रीज फिर दो हो जाती हैं। तो यहां से हम एक सादा सा उसूल बना के रख सकते हैं कि जब भी कभी, अभी बाद में लिखना पहले सुन तो लो, बनने तो उसूल, ठीक है, जब भी सरप्लस नजर आया करेगा, यानी जिस साल में सरप्लस नजर आएगा या पड़ा होगा उस साल में डेप्रिसिएशन की दो एंट्रीज हुआ करेंगी, ठीक है, और जिस साल में लॉस पड़ा होगा या लॉस नजर आया करेगा उस साल में डेप्रिसिएशन की एक ही एंट्री हुआ करेगी, ठीक है ना।
क्यों नहीं करते एंट्री, वो तो अभी प्रूव करना है ना। तो फिलहाल इसको लिख लो अपने पास, पर्चा पास करने के लिए तो लिख लो ना, बात लिखे जी। जिस साल में रिवैल्यूएशन सरप्लस नजर आएगा, इसे देखना जरा, मेरा मकसद कहने का क्या है, सरप्लस नजर आ रहा है, सरप्लस नजर आ रहा है, सरप्लस नजर नहीं आ रहा, ये मतलब है, ठीक है ना। सरप्लस नजर आ रहा है, बोलो सरप्लस नजर आ रहा है, अब सरप्लस नजर ये मैं कह रहा हूं। तो जिस साल में सरप्लस नजर आ रहा होगा, इस वर्किंग में सरप्लस आपके पास बैलेंस पड़ा है, उस साल में डेप्रिसिएशन की दो एंट्रीज। लॉस नजर आ रहे हैं, बोलो ये सरप्लस नहीं है ना, लॉस नजर आ रहा है। एक एसेट के बारे में, एक ही एसेट हो तो उसके बारे में या सरप्लस होता है लॉस होता है, दोनों एक दफा तो एक बार में दोनों चीज तो नहीं आ सकती, ठीक है। लॉस नजर आ रहे हैं, लॉस नजर आ रहे हैं, लॉस नजर नहीं आ रहा। जब जब लॉस नजर आता रहेगा तब तक डेप्रिसिएशन की एक एंट्री, जब जब सरप्लस नजर आएगा तो डेप्रिसिएशन की दो एंट्रीज, पहली नॉर्मल डेप्रिसिएशन, दूसरा इंक्रीमेंटल की ट्रांसफर। तो क्या लिखवा रहा था, हाँ, जिस साल में रिवैल्यूएशन सरप्लस नजर आ रहा होगा उस साल डेप्रिसिएशन की दो एंट्रीज करेंगे। दो एंट्रीज का मतलब समझ आ रहा है ना, एक डेप्रिसिएशन नॉर्मल वाली, दूसरा इंक्रीमेंटल की ट्रांसफर, ठीक है। तो जिस साल में रिवैल्यूएशन सरप्लस नजर आ रहा होगा उस साल डेप्रिसिएशन की दो एंट्रीज करेंगे, फुल स्टॉप के बाद आगे लिखें। और जिस साल में रिवैल्यूएशन लॉस नजर आएगा, और जिस साल में रिवैल्यूएशन लॉस नजर आएगा, ये लॉस नजर आ रहा होगा, जैसे लिख रहे थे वैसे कंटिन्यू कर लो। और जिस साल में रिवैल्यूएशन लॉस नजर आ रहा होगा उस साल में डेप्रिसिएशन की एक ही एंट्री करेंगे, ठीक है जी। प्रूवन, बोलो अच्छा जी, अब जरा बात करते हैं कि यहां पे एंट्री क्यों नहीं होनी, ठीक है। इसकी बात हो रही, ठीक है। हमने क्या कहा था, इसकी नो एंट्री, क्यों नो एंट्री, इसको प्रूव कर लेते हैं। वैसे किताबों में ये प्रूफ शुरू को नहीं किया होता, बस लिखा होता है नहीं करनी एंट्री, ठीक है ना, लेकिन चलो कर लेते हैं। अगर हम एसेट को रीवैल्यू कभी ना करते तो डेप्रिसिएशन कितनी कितनी आ रही थी, 25-25, ठीक है। डाउनवर्ड रीवैल्यू हुआ तो एसेट की डेप्रिसिएशन कहाँ पे चली गई, 16 पे, तो डेप्रिसिएशन में 9 रुपये की कमी आई, ठीक है ना, बात समझ रहे हो। अच्छा पूरी कहानी सुनो, लिखवाता बाद में, ठीक है, पूरी कहानी सुन लो पहले। डाउनवर्ड वैसे ही वही तीन लाइनें हैं ना, वो अब इसके ऊपर अप्लाई कर दूंगा। मैंने कहा कल जरा वो पक्की हो जाए एंट्री, जो जरूरी चीज़ है पर्चे में जिसके नंबर है, ये तो एंट्री नहीं करनी ना, ये तो सर आप लोगों की लॉजिक के कुछ दीवाने होते हैं ना, ठीक है। तो आप लोगों के दिमाग की ये तसल्ली के लिए, जो दिमाग में तकलीफ होने लग जाएगी उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि एंट्री क्यों नहीं होती। समझ आ जाए तो फबेहा, ना समझ आए तो और अच्छी बात है, और अच्छी बात, ठीक है ना। ना समझ आए तो कहना बस ठीक है, इसकी एंट्री नहीं होती, ठीक है। डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन हुई है ना, डाउनवर्ड इस साल में क्या हुआ है, एसेट 250 पे आ गया, कम हो गया, ठीक है ना। तो डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन की वजह से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में कमी आई, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के कम होने की वजह से प्रॉफिट बढ़ जाएंगे और रिटेन्ड अर्निंग्स भी बढ़ जाएंगी। अब हमने इसको क्या करना है, रिवर्स। तो अब रिटेन्ड अर्निंग्स क्या हो चुकी हैं, बढ़ चुकी हैं, तो रिवर्स करने के लिए क्या करेंगे, इनको कम करेंगे और बढ़ाएंगे उस अकाउंट को जिससे लॉस आने पर हमने जो भी किया था, ठीक है ना। अब ये उसूल लिखने हैं और फिर एंट्री बनाते हैं, ठीक है, तैयार है, तो चले। जैसे आपने देखें, पहले दिन आपने क्या किया था, आपने ये एंट्री लिखी जब पहली दफा, इसके साथ स्टार लगा के आपने वो उसूल लिखा था ना तीन जुमलों में, ठीक है। आज आपने स्टार किसके साथ लगाने हैं, इस 31 December 16 पे जो आपने लिखा है ना नो एंट्री, उसके साथ स्टार लगाएं। और अब इसके लिए मैं तीन जुमले लिखवा रहा हूँ, तो लिख लें जल्दी से। ये फ्रेम यहीं पर रहेगा, यहाँ तक आता रहे, ठीक है ना, ये यहीं पर रहेगा बस, ठीक है। यहाँ से चल रहा है, यहाँ से कोने से लगा दें, यहाँ तक तो आ ही जाएगा जी, ये जगह सामने आ रही है, ओके चलें। अच्छा जी, लिखना शुरू करें। पॉइंट नंबर 1, डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन की वजह से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, आपने नहीं कैमरा अब छेड़ना, आप क्यों छेड़ रहे हैं, यहां तक आ रही है तस्वीर। डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन की वजह से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 9 रुपए से कम हो गया, जी डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन की वजह से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 9 रुपए से कम हो गया, नजर आ रहा है ना, कम होता है, ठीक है, सही है।
फुल स्टॉप। अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर टू, डेप्शन एक्सपेंस के कम होने की वजह से प्रॉफिट बढ़ गया। डेप्शन एक्सपेंस के कम होने की वजह से प्रॉफिट बढ़ गया। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के कम होने की वजह से प्रॉफिट 9 रुपए से बढ़ गया, जिसकी वजह से, इसी को कंटिन्यू करो, जिसकी वजह से रिटेन्ड अर्निंग्स भी 9 रुपए से बढ़ गई। ये बात समझ आती है? प्रॉफिट का बढ़ना रिटेन्ड अर्निंग्स को बढ़ाता है, प्रॉफिट का कम करना होना रिटेन्ड अर्निंग्स को कम करता है। ठीक है, तो पॉइंट टू में लिखवा रहा था, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के कम होने की वजह से प्रॉफिट 9 रुपए से बढ़ गया, जिसकी वजह से रिटेन्ड अर्निंग्स भी बढ़ गई। ठीक हो गया। अब पॉइंट थ्री लिखो, जर्नल एंट्री करने लगे हैं। हमें इस पे एतराज है ना, एतराज क्यों है भाई? दोनों तरफ फिर अब एक ही बात हो ना, अगर इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन को आपने रिवर्स किया था तो अब कम होने वाली का भी इंपैक्ट निकालो ना, असूली तौर पर तो होना चाहिए। ठीक है, सही है। तो दोबारा मैं बोल रहा हूँ, वो लिखना नहीं है, जरा सुनो ताकि कंटिन्यूटी में बात है। डेप्रिसिएशन डाउनवर्ड, जिसकी वजह से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बढ़ गया, जिस वजह से प्रॉफिट कम हुआ और रिटेन्ड अर्निंग्स भी कम होगी। अब हमने इसको क्या करना है, रिवर्स। तो पॉइंट थ्री में एंट्री लिखना शुरू करते हैं अब। तो अब हम ऐसे लिखा था ना उस दिन भी, कि तो नहीं लिखा था, अब हम लिखा था। चलो फिर, तो अब आज तो भी आ गया। ठीक है, एडिशन नई चीज़ पढ़ रहे हैं ना जी। तो अब हम अच्छा, जरा पिछले स्टेप में देख के बताओ, रिटेन अर्निंग्स को क्या हुआ, पड़ा बढ़ी पड़ी है। रिवर्स करने के लिए क्या करना है, कम। ठीक है, और इनकी नेचर क्या है, कम करने के लिए क्या करना है, बात समझ रहे हो? ठीक है, तो लिखो, तो अब हम रिटेन अर्निंग्स को कम करेंगे, अब हम रिटेन अर्निंग्स को कम करेंगे, ब्रैकेट में लिखो डेबिट DR। ठीक है ना, क्यों, रिटेन्ड अर्निंग्स की नेचर क्या है, क्रेडिट, तो इनको कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो अब हम रिटेन्ड अर्निंग्स को कम करेंगे, यानी डेबिट कर देंगे। ठीक है, और सही है, और बढ़ाएंगे उस अकाउंट को, लिखो लिखो, और बढ़ाएंगे उस अकाउंट, या यूं लिखो, और दूसरा इंपैक्ट जैसे कल लिखा था, सॉरी, बढ़ाएंगे काट दो, बढ़ाएंगे काट दो। ठीक है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, सब सुनो, एंट्री लिख रहे हैं जी। तो अब हम, ये कोई हंसने की बात नहीं थी वैसे, तो अब हम रिटेन्ड अर्निंग्स को कम करेंगे, यानी डेबिट, और दूसरा इंपैक्ट उस अकाउंट को डालेंगे, दूसरा क्रेडिट ही निकलना है ना, और दूसरा इंपैक्ट उस अकाउंट पे डाल देंगे, और दूसरा इंपैक्ट उस अकाउंट पर डाल देंगे जिसे लॉस आने पर हिट किया था उसको क्या करना, दूसरा इंपैक्ट देना। अब जरा रुक के जरा मेरी बात सुनो, लॉस आने पर हमने किस अकाउंट को हिट किया था, प्रॉफिट एंड लॉस को, यानी दूसरा इंपैक्ट आप किसको दे दो, जरा एक मिनट देख लेना प्लीज, अभी लिखना नहीं। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्या कर दो, क्रेडिट। अब मुझे बताओ, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट होने का मतलब अल्टीमेटली क्या है, रिटेन्ड अर्निंग्स। हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस मतलब प्रॉफिट बढ़ गया, मतलब अल्टीमेटली रिटेन्ड अर्निंग्स ही बढ़ गई ना। इसका मतलब मैं तो ये कह रहा हूँ कि रिटेन्ड अर्निंग्स को कम कर लो और रिटेन्ड अर्निंग्स को ही बढ़ा लो। फिर बात सुनो, तीसरा पॉइंट मैं दोबारा बोल रहा हूँ, अब जरा ध्यान से सुनना, लिख चुके हो आप लोग, ठीक है, मजीद जो लिखना हो मैं बता देता हूँ, ध्यान से सुनो सब। डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन की वजह से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 9 रुपए से कम हुआ, जिस वजह से प्रॉफिट भी कम हो, प्रॉफिट बढ़ गया, और प्रॉफिट के बढ़ने की वजह से रिटेन्ड अर्निंग्स भी 9 से बढ़ गई। अब पॉइंट थ्री, अब हम रिटेन्ड अर्निंग्स को कम करेंगे, यानी डेबिट, और दूसरा इंपैक्ट डालेंगे उस अकाउंट पर जिसे लॉस आने पर हमने हिट किया था। तो लॉस आने पर किसको हिट किया था, यानी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्या कर देंगे, क्रेडिट। प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट होने का मतलब अल्टीमेटली क्या है, रिटेन्ड अर्निंग्स का क्रेडिट होना। तो इसका मतलब रिटेन्ड अर्निंग्स 9 से डेबिट करके रिटेन्ड अर्निंग्स ही 9 से क्रेडिट कर रहे हो, तो क्या इस एंट्री करने की जरूरत है? तो ये डिस्कशन कहीं नहीं मिलती किताबों के अंदर। बस एक बार आप ऐसा कर लें आज के लेक्चर में कि ये एंट्री ऐसे लिख के इसको काट दें, उसके बाद जिंदगी के लिए याद रख लेना। किसी को समझ आई है या नहीं आई है, बस मैंने इसके बाद अब इससे बात नहीं करनी, ठीक है ना। किताबों के अंदर ये एंट्री नहीं मिलती, बस इतनी सी बात है कि इसमें एंट्री नहीं करनी। इसके पीछे लॉजिक क्या है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है, ठीक है। लॉजिक कितने बच्चों को समझ आ गई है, जिनको नहीं आई वो अच्छे बच्चे हैं, ठीक है ना। वो सिर्फ ये याद रखेंगे, जो दो चार को नहीं आई वो अच्छे बच्चे हैं, क्यों, क्योंकि वो ये बात याद रखेंगे कि जिस साल में लॉस है, सर ने कहा उसमें दूसरी एंट्री, प्रूफ तो हो गया ना, ठीक है। तो प्रूफ करने एक बार लिख लें ये एंट्री जिंदगी में बस, और लिख के काट दें। उसके बाद जब कभी लॉस वाला साल होगा तो आपने दूसरी एंट्री पास
वर्किंग में क्यों करते हैं, ये भी मेरा उधार है, ये मैं अब इस तरफ आता हूं इसके बाद, अगर ये बात क्लियर हो गई है तो ठीक है, सही है। तो आखिरी बार फिर सुन लो, डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन की वजह से डेब्ट्स एंड एक्सपेंस 9 रुपए से कम हुआ तो प्रॉफिट 9 से बढ़ गया और रिटेन्ड अर्निंग्स भी 9 से बढ़ गई। अब हम रिटेन्ड अर्निंग्स को कम करेंगे यानी डेबिट, और दूसरा इंपैक्ट उस अकाउंट को देंगे जिसे लॉस आने पर हिट किया था, आगे लिख लो वहां पर, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में लिखो रिटेन्ड अर्निंग्स, प्रॉफिट एंड, हाँ, और उस अकाउंट को, दूसरा इंपैक्ट उस अकाउंट को देंगे, दूसरा इंपैक्ट उस अकाउंट पर डाल देंगे जिसे लॉस आने पर हिट किया था, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में लिख लो रिटेन्ड अर्निंग्स, मतलब तो एक ही है ना, ठीक है, यानी हम रिटेन्ड अर्निंग्स को, अभी देखो लिख लिया ना, यानी रिटेन्ड अर्निंग्स को डेबिट करेंगे और रिटेन्ड अर्निंग्स को ही क्रेडिट, तो भाई क्या जरूरत है मेरी एंट्री की करने की, ठीक है। तो ये थी लॉजिक, पर्चे में लिख के मत काटना, पर्चे में बस इसकी एंट्री नहीं करनी, किताबों में आपको बस इसकी एंट्री नहीं नजर आएगी, ठीक है। आईकेपी सॉल्यूशन में भी इसकी एंट्री, एक लॉस वाले साल में सिर्फ एक ही एंट्री होगी, दूसरी की जगह भी खाली नहीं होगी, जगह खाली छोड़कर उन्होंने क्रॉस लगाया है, नो एंट्री, बस नहीं करते एंट्री, ठीक है, क्लियर है ये बात। वो बेटा देखते हैं ना, अभी ये जो कट्टे खुले हुए हैं इनको तो पहले बांध लें। अच्छा जी, अब पिक्चर ले लेना, तुम पिक्चर, मैं कुछ मिटा नहीं रहा। अगर जनरल एंट्री नहीं करनी तो फिर फायदा क्या है इस प्लस नाइन का, इसको नहीं लिखते जान चुराए, तो ये जरूरी है या नहीं, इसको प्रूव करने के लिए थोड़ा सा ध्यान आपका चाहिए मुझे। रीवैल्यूएशन ना एक मॉडल है, ठीक है, आप तो कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन इससे कोई असल में हमारी एसेट खरीदा हुआ जो था उसकी कॉस्ट पे कोई फर्क तो नहीं पड़ता ना, ये तो हमारी अकाउंटिंग है, ठीक है। अब मैं इस सवाल को ही अज्यूम करता हूं कि मैंने इस सवाल में रीवैल्यूएशन मॉडल को यूज नहीं किया बल्कि कॉस्ट मॉडल को फॉलो किया, इसी सवाल में तो वो इंट्रो याद है, इंट्रो यकम जनवरी 12 पे हमने एसेट खरीदा 500 का, 31 दिसंबर 12 पर लाइसेंस कितनी थी 500 बटा 20 किया, बड़े ध्यान से देखो, बात आसान है। अच्छा, प्रूफ करने को भी याद नहीं रखना, प्रूफ अगेन इस प्लस नाइन को भी प्रूफ क्यों कर रहा हूं, एंट्री भी प्रूफ की, अल्टीमेटली क्या बना, वैसे एंट्री नहीं करनी, ठीक है। अब अगली तकलीफ एंट्री नहीं करनी तो प्लस नाइन लिख क्यों रहे हैं, ये एक बार प्रूफ कर दूंगा कि लिखना जरूरी है, समझ आ जाएगी बात की, लिखना जरूरी था, लॉजिक थी। अब इस लॉजिक को दफा करो, भूल जाओ, बस ये याद रखना कि वर्किंग में लाजमी लिखेंगे और एंट्री नहीं करेंगे, पर्चा पास हो जाएगा इससे, ठीक है जी। 25 475, ये बीवी, 31 दिसंबर अंग्रेजी वाली, डेप्रिसिएशन 25 450, पहली रिवर्जन किस दिन हुई है, ठीक, अच्छा चले, इसको मतलब रुक के चेक करना है, हर जगह पे चेक लगाते जाएंगे, इसका मतलब क्या है, यकम जनवरी 14 भी है, ठीक है, सही है। अच्छा, अब इस दिन ये एसेट की आ रही है बुक वैल्यू, ठीक है, रिवर्जन मॉडल नहीं यूज कर रहे, ठीक है, और हम इस एसेट को बेचने गए, क्या करने गए जी, बेचने गए, तो हमें मार्केट में पहली रिवर्जन कितने पे हुई थी, 800 पे हुई थी ना, ये 800 हमें मार्केट में इसके कितने रुपए मिलेंगे, ये तो हमने बेचा नहीं था ना, मॉडल चेंज किया था, लेकिन अगर हम रिवर्जन मॉडल पे ना चल रहे होते और दरअसल हम यकम जनवरी 14 पे इस एसेट को बेचने जाते मार्केट में, तो मार्केट वैल्यू है ना रिवैल्यू अमाउंट, हमें मार्केट से कितने मिलते, 800। इधर देखो, सेल करते तो सेल प्रोसीड्स क्या मिलती, 800, तो फिर गेन या लॉस, बोलो गेन या लॉस, गेन, कितना गेन आता, 350 का गेन आता, चेक कर लो गेन कितना नजर आया हमें, यहां तक हम सही जा रहे हैं, ठीक है, चलें आगे। 31 दिसंबर 14, डेप्रिसिएशन वही 25 425, फिर 31 दिसंबर 15, डेप्रिसिएशन वही 25, और एसेट आ गया 400 पे, ठीक है। अगर हम इस एसेट को इस दिन बेचने चले जाएं मार्केट में, ठीक है, क्या आई थी, सवाल ऐसे में बंद हो गया ना, मुझे बार बार लाना पड़ रहा है, ठीक, सवाल में लिखो ना रिवेल्ड अमाउंट इस दिन, तो यकम जनवरी 16 पे कितनी, अगर हम इस एसेट को 31 दिसंबर 15 या यकम जनवरी 16 पे बेचने जाएं तो हमें सेल प्रोसीड मार्केट वैल्यू इसकी कितनी है, तो सेल हमें मार्केट वैल्यू ही मिलेगी ना, चलिए बाजार में तो कितने का बिकेगा, तो लॉस सरप्लस, 400 वाली चीज 250 की बिकी तो 150 का क्या आ गया लॉस, चेक करते हैं अपनी वर्किंग से।
150 का ही लॉस आया, हम बिल्कुल सही जा रहे हैं। ये असल में आप लग रही है क्या कर रहे हैं, जिस वक्त गलत होंगे ना तब पता लगेगा कि अच्छा ये जरूरी था, क्योंकि अभी तक तो प्लस नाइन वाली कहानी शुरू ही नहीं हुई, वो तो शुरू हो रही है अब। ठीक है, अच्छा चलो। 31 दिसंबर 16 पर एसेट डेप्रिशिएट हुआ 25, 375 बुक वैल्यू आ गई। फिर 31 दिसंबर 17 पे एसेट डेप्रिशिएट हुआ और बुक वैल्यू आ गई 350, और यही रकम जनवरी 18 की भी बुक वैल्यू है। ठीक है, इस दिन अगर हम इस एसेट को बेचने जाएं तो मार्केट में हमें मिलना है 600 रुपया। ठीक है जी, कितना तो गेन कितना आ गया, 200। ये 250 का गेन, अब असल मसला सिर्फ इसी पे आके आना है, अगर प्लस नाइन ना करें तो मैं प्रूफ करने लगा। ठीक है ना, 250 रुपए का गेन बनेगा, देखो वर्किंग में 250 का ही गेन आ रहा है। यहां तक सब मेरे साथ हैं, बिल्कुल क्लियर समझ आ रहे हैं। अब मिसाल के तौर पे आप ये प्लस नाइन और ये प्लस नाइन ना करते तो यहां पे कितना बैलेंस पड़ा होता, 150 पूरा। जब आता 200 किधर गया गेन, 382 का गेन आता। कैलकुलेटर उठाओ 382 का अगर ये रिवैल्यूएशन गेन आता, सरप्लस आता, और इधर लॉस कितना पड़ा होता, ये प्लस नाइन ना करे तो कितना पड़ा होता, 150 पड़ा होता। तो ये 382 में से 150 माइनस होता तो बाकी कितना बचता, ये 232 तो गेन बनते ही नहीं है। दरअसल देखा जाए तो अभी 250 निकाल के आए हैं, बोलो। तो अगर हम इस वर्किंग में ये प्लस नाइन ना करें ना तो यहां पे आकर हमें हमारी जो कैलकुलेशन गलत हो जाती है। ठीक है, तो इतनी लंबी बात सिर्फ इसलिए कि आपको ये बता सकूं कि वर्किंग में प्लस नाइन लिखना जरूरी है। कितने बच्चों को ये लॉजिक समझ आई है, चलो शुक्र है, कुछ को नहीं भी आई, वो ज्यादा अच्छे बच्चे हैं, वो सिर्फ क्या याद रखेंगे, वो सिर्फ क्या याद, हाँ देखो बात सुनो, पर्चे के लिए ये दोनों बातें अहम नहीं थी। कौन कौन सी, मैंने टाइम लाया कि आप लोगों का, पहली ये एंट्री क्यों नहीं करनी, दूसरा अगर एंट्री नहीं करनी तो ये प्लस नाइन वर्किंग में भी ना लिखें, नहीं ये लिखना जरूरी है। तो ये दोनों बातें जो प्रूफ की हैं, ये बिल्कुल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपके दिल की तसल्ली के लिए, दिमागी सुकून के लिए, लॉजिक के लिए था। पर्चे में सिर्फ इतनी बात याद रखनी है, जिस बात सुनो, जिस साल में लॉस होगा तो आपने डेप्रिसिएशन की सिर्फ एक एंट्री करनी है, वो जो लॉस को थोड़ा आप रिवर्स कर रहे होते हैं उसकी एंट्री पास नहीं करनी, एक बात। दूसरी बात, एंट्री तो पास बेशक ना करो लेकिन इस वर्किंग के अंदर इसको लिखना जरूरी है। ठीक है, सही है ना, किताबें बंद कर रहे हैं, किसी ने कहा है, हैंड आउट आप लोगों का अवेलेबल है। ठीक है, अब जरा इधर देखें, किसी ने भी पिक्चर लेनी है तो ले ले, मैं ये मिटाना है यहाँ पे ऊपर में लगे, चलो कोई नहीं, वो भी है, सीट भी है। अच्छा, अब वैसे तो होमवर्क के अंदर एक क्वेश्चन था, यू नो क्लास वर्क का एक क्वेश्चन एज यूजुअल होमवर्क में जाता होता है, क्योंकि क्लास वर्क में हम लंबी लंबी बातें करते रहते हैं ना। क्या जो बच्चा घर पे फी पर्चा 1.5 घंटा नहीं दे रहा, इंट्रो प्लस एफ आर वालों की बात नहीं कर रहा, इंट्रो वालों की, एफ आर वन वालों की बात, इंट्रो पढ़ के आए, आपने अगर मिसाल के तौर पे एफ आर वन रखा हुआ है और टैक्स रखा है, फॉर एग्जाम्पल, ये दो पर्चे जिसके हैं वो घर पे फी पर्चा 1.5 घंटा नहीं दे रहा तो फेल होने की तैयारी कर ले। आपने जितने पर्चे रखे हुए हैं उनको 1.5 घंटे से मल्टीप्लाई करें, घर पे क्लासेस के अलावा आप इतना टाइम दे रहे हैं तो आप इंशाल्लाह पास हो जाएंगे। पर्चे 4 हैं, पर्चे 3 हैं, जितने भी पर्चे हैं। ठीक है, अब मेरा होमवर्क कभी भी ऐसा नहीं होगा वीकेंड के अलावा कि जो घंटा सवा से ऊपर चला जाए, क्योंकि मेरा तो ये मानना है कि सारे पर्चे पास करने जरूरी हैं। ठीक है ना, सही है। तो इधर देखें, ये क्वेश्चन हमने कर लिया है। ठीक है, बल्कि समझ नहीं क्या कुछ कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 सुनो, हैंड आउट पहुंच चुका है भाई, हाँ तो लेने ही है उन्होंने। सुनो, एसेट पर सुन तो लो यार, फिर इसमें खेचते ना। एसेट परचेज ऑन यकम जुलाई 8, कॉस्ट है 600, यूजफुल लाइफ है 30 साल, इट इज रीवैल्यूड ऑन यकम जुलाई 22। यकम जुलाई 8 को आया और चलते 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 कई साल चलने के बाद वो यकम जुलाई 22 को रीवैल्यू हुआ है यकम जुलाई 22 को जाके। ठीक है, और एंट्रीज हमसे मांग ली हैं सिर्फ 30 जून 2023 वाले साल की। ठीक है, तो ये सवाल आप लोग 10 मिनट में करोगे, लेकिन मेरा मानना तो ये है कि 2 मिनट से ज़्यादा का सवाल नहीं है, थोड़ा गौर फिक्र कर लेना। वैसे मैंने नकल करवा दी, माजरत, करवानी नहीं चाहिए थी, ये क्लास के लिए रखा था कि 5 मिनट दूंगा और फिर कहूँगा क्या कर रहे हो, 1 मिनट में सवाल हो जाना है। ओके, अच्छा अगली बात और बस, ठीक है एक दूसरे को ना बताओ, एक दूसरे को ना बताओ, पर्चे में और कवर में अकेले अकेले जाना है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है,
पास पेपर का, कैफ 5 का, ऑटम 14 में आया था शेजार टेक्सटाइल, इसके अंदर भी 3 रिवैल्यूएशन हैं, ठीक है, और वो रिवैल्यूएशन एक एक साल बाद हैं, तो इतनी तफसीली वर्किंग भी नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। फ़र्क सिर्फ ये पड़ गया कि सवाल में ईयर एंड 30 जून पे चला गया, तो इसे परेशान नहीं होना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही जी, ज़िंदगी रही तो कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम।